हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह 5 बजे का टाइम है और मैंने अम्मी की खिचड़ी बनाई है आज। और आज मैंने सूट पहना है, लेकिन सूट मुझे थोड़ा सा ये उधड़ा हुआ लगा, पता नहीं था कि ये थोड़ा सा उधड़ा हुआ है, तो मैंने फिर इसको चेंज कर लिया। लेकिन पहले मैंने अम्मी की खिचड़ी बनाई क्योंकि उससे भूख लगती है, और मैं आज वैसे भी लेट हो गई थी उठने में थोड़ी सी, तो मैंने फटाफट उसकी खिचड़ी बनाई और इनसे बोला कि उसको खिचड़ी खिला के आओ। और फिर मैंने अपना जो कुर्ता है वो बदल लिया क्योंकि मुझे थोड़ा ये उधड़ा हुआ लगा। तो बस मैं अब सफाई कर रही हूँ और थोड़ी बहुत झाड़ू वाड़ू लगा के, और सुबह जो वो मेरा काम होता है सारा जो रोज़ आपको दिखाती हूँ, आज मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। मैंने केवल झाड़ू लगाई आज क्योंकि बृहस्पतिवार था, तो मैंने आज पोचे लगाए नहीं। मैं आज के दिन कपड़े भी नहीं धोती हूँ और पोचे भी नहीं लगाती हूँ, बस मेरी मान्यता है और तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास है। लेकिन जब बृहस्पतिवार के व्रत किया करती थी तो मैं ना कपड़े धोती थी और ना ही मसूदा यानी पोचा लगाती थी ना, तो फिर मेरी आदत वही हो गई कि मैं बृहस्पतिवार को नहीं लगाती हूँ पोचा वगैरह। हाँ, सफाई मैं सुबह इसलिए उठ के करती हूँ कि मैं थोड़ी सी फिट रहती हूँ, इससे दिखने में फिट ना हूँ। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि दिखने में फिट नहीं हूँ, लेकिन काम करके मैं अंदर से फिट रहती हूँ बिल्कुल। तो मैं एक बार झाड़ू वगैरह ज़रूर लगाती हूँ घर में सारे में, और ऐसे छोटे मोटे काम करती रहती हूँ। कोई अस्त व्यस्त घर पड़ा हो तो उसको कर देती हूँ, जिससे मैं सुबह से एक्टिव रहती हूँ। उसके बाद बेटे बहू आ जाते हैं तो चाय वाय पीते हैं हम, नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर मुझे कोई खास काम नहीं रहता है। तो ये हो गया है 10:45 का टाइम, क्योंकि इलू की क्लासें होती हैं ऑनलाइन, तो वो लेट नहाती है, नहीं तो वो जल्दी नहा लेती है। तो क्लासें होने के बाद वो नहाती है, उसकी चोटी वगैरह मैं बनाती हूँ, तो उसकी चोटी बनाई। उसके बाद वो बोली, नानी आज मैं आपकी बाल बनाऊंगी, तो मैंने बोला बना देना। तो पहले मैंने उसकी चोटी की, टाइट टाइट चोटी करवा लेती वो, और फिर वो दिन भर आराम से रहती है अपनी चोटी बनवा के। और फिर वो अपनी वीडियो वगैरह बनाती है, इलू का भी चैनल चलता है, तो वो अपनी वीडियो एडिट करती है और अपनी वीडियो को डालती है, तो इसमें उसको आधा पौन घंटा लग जाता है। इस बीच में बेटे बहू क्लिनिक गए हुए थे, तो इतनी देर में हमने अपने छोटे मोटे काम कर लिए, और उनके आने के बाद बहू ने खाना बनाया, तो खाना हमने बाद में खाया। और अब ये देखिए, इलू मेरे बाल बनाएगी और मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई ऐसे वैसे बाल मत बना देना मेरे, तुझे तो काफ़ी इसको मतलब कई तरह के बाल बनाने आते हैं। लेकिन वो बोली, नहीं नानी, आप जैसे बाल आपके ओपेंगे वैसे ही मैं बना दूंगी। तो उसने मेरे बाल बनाए और मैं हंसती रही। मैंने कहा पता नहीं कोई उल्टे सीधे बाल नहीं बना दे, लेकिन उसने मेरे बालों को अच्छा सा बनाया, मुझे पसंद आ गए। और हम दोनों बातें करते रहे और उसने इस बीच में अच्छे से मेरे बाल बना दिए। तो आप भी देखिएगा ये बाल कैसे लग रहे हैं मेरे। तो देखिए, उसने दोनों तरफ के बोला बाल निकाल दूँ नानी आपके। मैंने कहा दोनों तरफ के मत निकाल, एक तरफ के तो मेरे निकले हुए हैं, वो छोटे बाल हैं इसलिए मैंने उनको आगे से काट रखा है, क्योंकि ना वो चोटी में आते हैं ना वो पिन में आते हैं, तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा काट रखा है। और ये शुरू से ही काटे हुए हैं मेरे बाल, तो ऐसे ही रखती हूँ मैं इन बालों को। तो बस एक तरफ के बाल उसने निकाले और अपने ही कई जो होती है ना हेयर पिन वगैरह वो लगा दी मेरे, और अच्छे से उसने बाल बना दिए। तो बड़ी खुश होती है जब मैं उसके साथ उसकी कही हुई बातों को मान लेती हूँ, तो बड़ी खुश होती है, उसका टाइम भी पास हो जाता है और वो खुश भी हो जाती है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था वीडियो में पिछली में कि बच्चों के साथ बच्चा बन जाओ तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, तो ये देखिए बड़ी खुश हो रही है वो। तो आज इलू ने मेरे बाल बनाए, आपने देखा अभी, तो देखिए उसने मेरे बाल बनाए, कह रही है नानी आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं। अच्छे लग रहे हैं मुझे भी। तो आज सुबह से मैंने सूट पहन लिया था क्योंकि गर्मी बहुत लगती है साड़ियों में, तो काम तो बस जैसे किया वो किया, मैंने दिखाया नहीं वो तो आपको। बहू अभी क्लिनिक गई है नाश्ता वास्ता बना के,
खाना हम लोग अब बनाएंगे, कढ़ी बना के गई है वो, और बाजरी की रोटी बनाएंगे, क्योंकि बाजरी की रोटी गर्म ही खाई जाती है, तो वो बनाएंगे। तो अभी जितने छोटे मोटे काम है वो निबेड़ लेती हूँ मैं। तो ये टेबल है एमी की, इसमें एमी का सारा सामान रखा है, जैसे उसकी दवाइयाँ हैं या उसके जो भी सामान हैं, कई तरह के फूड हैं उसके, तो वो रखे हैं। और सब भी इसमें सब सामान अपना आके डालते रहते हैं, क्योंकि जो मेरे भैया ने टेबल दिए उसमें मैं मना करती हूँ सबको रखने को, कि इसमें स्क्रैच लग जाएंगे, इसलिए मैंने ये टेबल एक यहाँ रख दी है। ये काफ़ी है, भारी भी है, जिससे क्या है कि एमी इतना खींच नहीं पाती है इसको। खींचती तो है वो, कई चीज़ें पटक देती है, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर चीज़ें रख देते हैं, जैसे बच्चे लोग बाहर से आते हैं तो चाबी है, चश्मा है, और कई चीज़ें इसमें ही रख देते हैं। और ये इलू की, उसकी एमी की, मतलब एमी की दवाई वगैरह पड़ी है, इलू मेरे मुंह में नाम आता है दिन भर, तो एमी की दवाई वगैरह सारी इसमें ही रखी रहती हैं, तो वो खींच खाँच के पटकती रहती है कई चीज़ें। तो इसमें थोड़ा वेट रख दिया मैंने, और ये कार्टून बॉक्स में उसका सारा सामान डाल रखा है, और इसमें बाकी की आलतू फालतू चीज़ें भी सब रखते रहते हैं। तो ये तरबूज वगैरह धोए हुए ही थे, सब्जी भी धो के वापस पॉलीथीन में ही डाल दी थी, कल लाए थे तो इनको सारी डाल दी थी पॉलीथीन में ही डाल दी थी वापस, तो इन्होंने डाल दी थी, तो मैंने फिर इसको फ्रिज में रखी। और ये तरबूज ठंडा करने के लिए रखा, क्योंकि तरबूज तो हमारे घर में हम रोज़ ही खाते हैं, तो डेली आता ही है तरबूज, तो शाम को 3-4 बजे हम लोग तरबूज खाते हैं, तो इस टाइम रख देते हैं ठंडा करने के लिए। और बाकी जो ये कपड़े वगैरह सूख रहे हैं, ये जो पूरे सूखते नहीं हैं वो कपड़े मैं रात को यहीं डाल देती हूँ, जिससे कि ये सूख जाते हैं। थोड़े जो कम सूखे हुए रहते हैं तो उनमें बदबू आने लगती है, इसलिए मैं इनको रात भर सूखने के लिए रख देती हूँ, और फिर इस टाइम निकाल लेती हूँ जब मेरा खाली टाइम होता है, तो इनको मैं तय कर लेती हूँ और यहाँ से हटा देती हूँ। तो ये थोड़ी सी जगह यहाँ पे बनी हुई है, इसमें मैंने ये स्टैंड रख दिया है, और इसमें मुझे काफ़ी आराम रहता है कपड़े सुखाने में। तो दूध भी 9:30-10 के करीब हमारे है, तो पहले मैं ठाकुर जी को दूध रखती हूँ। आपको जैसे मालूम है कि मैं रात वाला दूध काम में, मतलब एक दिन पहले वाला दूध काम में लेती हूँ, और ये जो ताज़ा दूध होता है वो पहले ठाकुर जी को चढ़ता है, उसके बाद ही हम काम में लेते हैं। तो पहले ठाकुर जी को चढ़ाया दूध। अब जो ये कपड़े उतारे थे मैंने, इनको तय करने की बारी आई, तो इनको मैंने तय किए पहले कपड़ों को, तो साड़ियाँ ज़्यादा थी, बाकी छोटे मोटे कपड़े मैं एक दिन पहले ही तय कर चुकी थी, तो मेरी साड़ियाँ ज़्यादा थी, क्योंकि ये पूरी सूखी नहीं थी, तो ये सूखने के बाद ही तय करती हूँ। मुझे अधगीले कपड़ों में थोड़ी सी बदबू से आने लगती है, तो मैं इनको पूरा सुखाती हूँ पहले कपड़ों को, उसके बाद ही पहनती हूँ। ज़रा सी भी बदबू आए तो मैं इनको वापस धो देती हूँ। तो बस ये कपड़ों को मैं तय कर रही हूँ, अपनी साड़ियों को, और फिर मैं थोड़ी सी अपनी ड्रेसिंग टेबल को भी सेट करूँगी, क्योंकि ये पास में ही रखी है, तो इसमें हर एक चीज़ रख देते हैं, जैसे रात को भी है, दिन को भी है, तो इसमें ज़्यादातर सामान ऐसा मैंने रख रखा है जो सब लोग मुझसे मांगते हैं, जैसे पेन है, फेविकॉल है, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को भी ज़रूरत पड़ती रहती हैं, और इनको ढूंढने में आसानी रहती है, क्योंकि मैंने अपने पास में ही रख रखी हैं, तो इसको भी थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, क्योंकि ये दिन भर में बिखर जाती है। तो बस कपड़े तय करके मैंने पहले ड्रेसिंग टेबल को भी सेट किया।
ये काम मैंने किया, इतने में बहू बेटे आ गए। और अब सुनिए हम दोनों सास बहुओं की बातें। कड़ी देख के मन कर रहा है खाने को, मेरे को बहुत दिनों से मन में आ रही थी। इसके ऊपर वो मिर्ची का सॉस बनाऊं क्या, कुछ लाल मिर्ची वाला? हाँ अच्छा तो लगता है। तू और क्षितिज पहले तुम खा लो पापा और मैं खिला देती हूँ। नाने गए हैं, जब तक तो बनी जाती रोटियां, इतना टाइम नहीं मिल सकता। वो गेहूं की हो जब तो वो बना के ही रख दें, पर अब ये तो उसी टाइम बनानी पड़ती है ना, आटा भी खराब हो जाता है गुन्ना। शाम को पापड़ की कर लेंगे अब। हाँ। इसको इलू को बनती है। अच्छा। पूरा भी होगा के नहीं तो सही रहा है। चावल बनाऊंगी बना ले, अगर कम बन जाएंगे क्या रोटी बनेगी। हाँ, एमी भी खा लेगी। हाँ। ये एमी वाले बना के देखना अच्छी बनती है, अच्छे है। और मंगा लेंगे फिर और। हाँ। तो क्या आज बना के देख, अच्छे बनते हैं। आटा हमारे यहाँ छना हुआ ही मिलता है, बेसन आटा हमारी दुकान वाले के यहाँ, तो हम बिना छाने ही बनाते हैं इसको। इसलिए तो ये खाना बन चुका है और बस सबसे पहले इलू को लगाया है। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर।